हैप्पी बर्थडे उन सभी को जिनका बर्थ डेट 10th अप्रैल को है। आज मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या फिर से आप सभी का दिन बन जाएगा न्यूमरो विद मान्या के इस खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज मैं उन लोगों के लकी मीटर के बारे में बताऊंगी जिनका बर्थ 10th अप्रैल को होता है। तो चलिए जानते हैं आपका लक आपका कितना साथ दे रहा है और आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज 10 अप्रैल 2024 है, शुक्ल पक्ष है, द्वितीय तिथि है और आज है बुधवार। आज राहु काल का जो समय है वो आप नोट कर लीजिए, वह रहेगा 12:22 PM से लेकर 1:58 PM तक। इस समय कोई भी शुभ काम ना करें, यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका बर्थडे कैसा रहने वाला है। आज आप काफ़ी जो है आपका जो बर्थडे है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कई बड़ी डील क्रैक होने के जो है चांसेस बन रहे हैं। शाम को फैमिली के साथ आप डिनर के लिए जा सकते हैं और रात के 12 बजे दोस्त सरप्राइज देने के लिए भी घर आ सकते हैं। जिनका बर्थ 10 अप्रैल को होता है उनका मूलांक 1 होता है और 1 मूलांक वाले लोगों का जो लक है वह 95% यानी कि 95% साथ दे रहा है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इस साल खरीद सकते हैं। हालांकि बिजनेस में नुकसान हो सकता है पर घबराए नहीं, आपको बड़ी डील मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा और साथ में ये साल वो एग्ज़ाम में टॉप भी कर पाएंगे। बिजनेस में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर ऑफिस में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको एक अपने ऑफिस में डेस्क पर महादेव का फोटो लगाना है और साथ में आप जो है जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं उस समय पर्स में मंदिर में चढ़ाए हुए फूल वो ज़रूर अपने पॉकेट में रख लें। इससे जो है आपके बिजनेस में कोई भी परेशानी आ रही है उससे आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। तो अब जानते हैं 10 नंबर वालों की कंपैटिबिलिटी वाले कौन से ऐसे डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं जिनके साथ 10 नंबर वालों की बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है। देखिए अगर आप इस साल शादी का सोच रहे हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप का सोच रहे हैं तो उन डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। आइए जानते हैं वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ है। तो देखिए 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, आपकी 20 तारीख, ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 5 तारीख अच्छा रहेगा, 14 तारीख अच्छी रहेगी। ये सब जिनके डेट ऑफ बर्थ इन पे आते हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। बिजनेस शुरू करने से आपको जो है इनके साथ अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो एक कंपैटिबिलिटी काफ़ी बेटर रहेगी और साथ में आप दोनों के जो भी विचार हैं वो एक दूसरे के साथ मेल भी खाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आइए एक छोटा सा स्विच वर्ड बताती हूँ, आपको उसको जीतना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसको आप जीतना चाहते हैं तो कौन सा स्विच वर्ड आपको यूज करना चाहिए। तो देखिए स्विच वर्ड बहुत ही आसान है, धर्मदेव, धर्मादित्य, धर्म विजय। इसको आपको जो है लाल रंग के पेन से लिखना है। आप ये वर्ड रोज सुबह पूजा के बाद इसको लिख लें, मंदिर में इसको रख दें और फिर याद रहे कि जिस पेपर में इसको लिख रहे हैं उसे कभी भी फेंके नहीं। तो इसको आप लिख कर लाल रंग के पेन से इसको अपने पास रखें, लिख कर इसको अपने पास रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली कोर्ट केस में जीत दिलवाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डी लेटर वाले, जो डी लेटर से जिनका अल्फाबेट शुरू होता है, जिनका नेम डी अल्फाबेट से शुरू होता है वो कैसे होते हैं। तो देखिए जिन लोगों का नाम डी से शुरू होता है ना, ये लोग अपने काम को हर हाल में पूरा करके रहते हैं। कई मौके ऐसे भी आते हैं जिसमें इन्हें दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन सफलता इनके हमेशा कदम चूमती है। इस तरीके से होते हैं डी लेटर वाले। तो देखिए कितने ही बेस्ट कहते हैं ना, जिनका जो हमेशा अपने हार्डवर्क से एक मुकाम पाते हैं वो होते हैं डी लेटर वाले। तो चलिए ये था आज का खास एपिसोड, कल फिर से मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनों का और अपना ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार।